हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप? आई होप ऑल आर वेल एंड डूइंग गुड प्रैक्टिस। अपनी गाने की प्रैक्टिस अच्छी तरह से आप कर रहे हैं और अच्छा गाना बजा रहे हैं, ऐसी आशा करता हूँ। आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, तो ज़रूर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं अपनी कोशिश करूँगा कि आपके सब क्वेरीज रिजॉल्व करूँ। क्योंकि ये हर एक गाना अलग अलग स्केल्स में है, तो अलग अलग कोई काली दो, कभी काली एक, कभी सफ़ेद तीन, ऐसे अलग अलग स्केल्स में हम लोग गाने कर रहे हैं। तो वो हिसाब से अगर आपको कुछ तकलीफ है स्केल ढूंढने में, कुछ स्केल करने में, तो मुझे बता दीजिए, वो हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरे अपने इसी सीरीज़ में, हारमोनियम ट्यूटोरियल की सीरीज़ में, मेरे पहले जो 8-10 एपिसोड्स है वो आप उस एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने सब हारमोनियम के बेसिक्स और उसके अलंकार कैसे बजाने हैं, हर एक स्केल कौन सा है, इसकी स्केल को क्या कहते हैं, कौन सी स्केल में सरगम कैसी है, वो सब डिटेल में बताया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वो सब स्केल्स और सब एपिसोड्स रादर एक बार रन थ्रू करें, तो आपको वो भी सब जानकारी मिलेगी और वहाँ पे भी कभी यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाई द नोटेशंस और नोट्स इन द स्केल्स। तो सुर सब स्केल में ढूंढने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। वो भी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। मैंने लिंक प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दी हुई है, वो लिंक से भी आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जो गाना किया था वही गाना आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आइए कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का अंतरा करते हैं, जो फीमेल स्टांजा है। अंतरा चालू होता है प से, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे। गाना चालू होता है प से, चलिए देखते हैं। सितारे प प ध प म रे म प प प, ये डायरेक्ट ऐसे भी चलेगा, बीच में म मत बजाइए तो भी चलेगा। ये देखिए ऐसा बजेगा, प प ध प म रे प प प, ये ज्यादा आसान रहेगा बजाने के लिए। सितारे झिलमिला उठे, इसके बाद में म्यूजिक आके फिर से यही लाइन रिपीट होती है, और बाद में चराग जगमगा उठे, जो कि नोटेशन विल रिमेन सेम। चराग जगमगा उठे, इसमें खाली एंड थोड़ा अलग रहेगा। प प ध प म रे प प ध प म प नी, ये ऐड हो जाएगा इसमें। चराग जगमगा उठे, ठीक है, नोटेशन देखिए। प प ध प म रे प प ध प म प नी, इसके बाद में आएगा बस अब ना मुझको टोकना। बस अब ना मुझको टोकना, इसका नोटेशन देखेंगे। नी 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 सा नी रे नी प रे नी, इसके बाद वापस एक म्यूजिक है, तो दूसरी लाइन ऐसी आएगी। दूसरी लाइन थोड़ी अलग है, सेम रिपीट है म्यूजिक के बाद। बस अब ना मुझको टोकना, देखिए नी 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 सा नी रे नी सा ध प म, ठीक है ना, न बढ़ के राह रोकना हो, न बढ़ के नी 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 राह टोकना, ये अलग है थोड़ी ना। ये देखिए दोनों लाइन तो दोनों सेम है, खाली एंड अलग अलग है। देखिए नाम बस अब ना मुझको टोकना, सानी रे नी
उपयोग हो रहा है क्योंकि उसके आगे की लाइन जो है वो ग से चालू होती है। इतना समझ में है? अगर मैं रुक गई वो वाली लाइन आएगी, अगर मैं रुक गई अभी तो जा ना पाऊंगी कभी। अगर मैं ग ग ग ग रुक गई अभी सेम तो जा ना पाऊंगी कभी। देखिए तो जाना मरे गरे ग पाऊंगी कभी मग पमग पमग। उसके बाद में जो लाइन है वो म से चालू होती है। अभी जोड़ के मैं बजाता हूँ एक बार तो मालूम आएगा, तो मालूम पड़ेगा आपको। अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी यही मापनी यही कहोगे निशा निशा तुम सदा निधनी सॉरी धनी दप के दिल पपरे के दिल थोड़ा भी इजी लगने लगेगा क्योंकि वही रिपीटेशन हो रहे हैं बहुत से ट्यून में। अब आगे की लाइन देखते हैं, जो खत्म हो किसी तरह या ऐसा सिलसिला नहीं। जो खत्म ग ग म ग हो रे ग किसी तरह रे सा नी ध नी रे। जो खत्म हो किसी तरह ग ग म ग रे ग रे सा नी ध नी रे। ये ऐसा सिलसिला नहीं, ये ऐसा आगे की लाइन जो है वो रे नी रे। ये सा रे नी रे नी रे सिल रे प म प म सिल सिला सिल सिला रे प म प म मगरे बराबर से करिए। वापस वापस देख के सुर कीजिए क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। अभी नहीं अभी नहीं 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 वापस सेम अभी नहीं ग ग म ग रे ग नहीं अभी नहीं सा सा नी ध नी रे नहीं। ये तीव्र मध्यम का उपयोग हो रहा है हमें। ये देखिए नहीं नहीं ये शुद्ध
शुद्ध मध्यम आया। नहीं नहीं मम धम नि ध प म, प मत बजाइए, प का टच लेके बजाना है तो ही बजाइए, अदरवाइज स्किप म, स्किप प सॉरी। कभी नहीं नहीं मम धम नि ध म, नहीं बाद में वापस साइन लाना थी, अभी ना जाओ छोड़कर। तो दोस्तों ये गा दोनों अंतरे जो है, दूसरा और तीसरा, एक फीमेल वॉइस है और थर्ड अंतरा जो है मेल वॉइस में है। अंतरा फिर दोनों सेम है, मतलब नोटेशन दोनों सेम रहेंगे, वर्डिंग अलग है तो भी नोटेशन सेम रहेंगे, तो वो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे उसको, नहीं तो वही वही वापस रिपीट होकर वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाएगा, अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। तो ये गाना अपना आज कंप्लीट हो रहा है। लास्ट टाइम हमने पहला अंतरा किया था, अब दूसरा और तीसरा अंतरा किया, दूसरा अंतरा ही मैं दे रहा हूँ, तीसरा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न मैंने आपको बोल दिया ऑलरेडी, क्योंकि सेम नोटेशन रहेगा तो आप सेम वर्ड गा के नोटेशन वही बजाइए, तो आप तीसरे अंतरे के वर्ड्स लाके नोटेशन वही बजाइए तो अंतरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ ये सॉन्ग कंप्लीट हो गया अपना। तो आज एक बहुत ही बढ़िया गाना हमने सीखा है दोस्तों, इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। मैं बहुत प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों मध्यम और दोनों निषाद लग के थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सुर ध्यान में रहने के लिए थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये लिंक अपने तक मत रखिए, ये लिंक ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत है, जिन्हें गाना सीखना है और अपना चैनल उन तक पहुँचने के लिए चैनल ग्रो होना पड़ेगा, तो चलिए फटाफट ये लिंक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने कांटेक्ट के साथ, ताकि अपना चैनल ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और दोस्तों आपको जो भी गाने चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अब तक जैसे आपने फीडबैक दिया वैसे ही फीडबैक देते रहिए। आई रियली थैंक यू एंड अप्रिशिएट योर फीडबैक्स इन द कमेंट्स कि आपको कौन से गाने चाहिए, तो अगले एपिसोड में हम वो हिसाब से नए नए एपिसोड बनाते जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए काफ़ी काफ़ी धन्यवाद दोस्तों, तो चलिए अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे कुछ नए गानों के साथ। धन्यवाद।